इस्तस्ना 19वां बाब। जब खुदावंत तेरा खुदा उन कौमों को जिनका मुल्क खुदावंत तेरा खुदा तुझको देता है काट डाले, और तू उनकी जगह उनके शहरों और घरों में रहने लगे, तो तू उस मुल्क में जिसे खुदावंत तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है 3 शहर अपने लिए अलग कर देना, और तू एक रास्ता भी अपने लिए तैयार करना, और अपने उस मुल्क की जमीन को जिस पर खुदावंत तेरा खुदा तुझको कब्जा दिलाता है 3 हिस्से करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए, और उस खूनी का जो वहां भागकर अपनी जान बचाए हाल ये हो कि उसने अपने हमसाया को ना दानिस्ता और बगैर उससे कदीमी अदावत रखे मार डाला हो। मसलन कोई शख्स अपने हमसाया के साथ लकड़ियां काटने को जंगल में जाए और कुल्हाड़ा हाथ में उठाए ताकि दरख्त काटे, और कुल्हाड़ा दस्ते से निकलकर उसके हमसाया के जा लगे और वो मर जाए, तो वो इन शहरों में से किसी में भागकर जीता बचे, ता ऐसा न हो कि रास्ता की लंबाई के सबब से खून का इंतकाम लेने वाला अपने जोशे गजब में खूनी का पीछा करके उसको जा पकड़े और उसे कत्ल करे, हालांकि वो वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसे मकतूल से कदीमी अदावत ना थी। इसलिए मैं तुझको हुक्म देता हूं कि तू अपने लिए 3 शहर अलग कर देना, और अगर खुदावंत तेरा खुदा उस कसम के मुताबिक जो उसने तेरे बाप दादा से खाई तेरी सरहद को बढ़ाकर वो सब मुल्क जिसके देने का वादा उसने तेरे बाप दादा से किया था तुझको दे, और तू इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ देहान करके अमल करे, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और हमेशा उसकी राहों पर चले, तो इन 3 शहरों के अलावा 3 शहर और अपने लिए अलग कर देना, ताकि तेरे मुल्क के बीच जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मेरास में देता है बेगुना का खून बहाया ना जाए, और वो खून यूं तेरी गर्दन पर हो। लेकिन अगर कोई शख्स अपने हमसाया से अदावत रखता हो उसकी घात में लगे और उस पर हमला करके उसे ऐसा मारे कि वो मर जाए, और वो खुद उन शहरों में से किसी में भाग जाए, तू उसके शहर के बुजुर्ग लोगों को भेजकर उसे वहां से पकड़वा मंगवाएं, और उसको खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ में हवाला करें, ताकि वो कत्ल हो। तुझको उस पर जरा तरस ना आए, बल्कि तू इस तरह बेगुनाह के खून को इसराइल से दफन करना, ताकि तेरा भला हो। तू उस मुल्क में जिसे खुदावंत तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है अपने हमसाया की हद का निशान, जिसको अगले लोगों ने तेरी मीरास के हिस्सा में ठहराया हो, मत हटाना। किसी शख्स के खिलाफ उसकी किसी बदी या गुनाह के बारे में जो उससे सरजद हो, एक ही गवाह बस नहीं, बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। अगर कोई झूठा गवाह उठकर किसी आदमी की बदी की निस्बत गवाही दे, तो वो दोनों आदमी जिनके बीच ये झगड़ा हो खुदावन के हजूर काहिनों और उन दिनों के काजियों के आगे खड़े हों, और काजी खूब तहकीकात करें, और अगर वो गवाह झूठा निकले और उसने अपने भाई के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, तो जो हाल उसने अपने भाई का करना चाहा था वही तुम उसका करना, और यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा कर देना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और तेरे बीच फिर ऐसी बुराई नहीं करेंगे,
और तुझको जरा तरस ना आए। जान का बदला जान, आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत, हाथ का बदला हाथ और पांव का बदला पांव हो।